बात कर रहे हैं MMTC की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल हमको 3% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 95.50 पैसे पर हमको फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था हमने कहा था कि स्टॉक बाउंस बैक के साथ हमको 90 का टारगेट को हिट किया करता हुआ नज़र आ सकता है। 90 के ब्रेकआउट के बाद 94 से लेके 100 तक के टारगेट को हमने डिस्कस किया था और हम देख सकते हैं कि 100 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिली है, वहाँ से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। 100 का लेवल जो इसका एक तगड़ा और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन जिस तरह से MMTC का चार्ट पैटर्न हमको बता रहा है, जम के बाद गिरावट, अगेन ब्रेकआउट, अगेन गिरावट और ब्रेकआउट, अपने हाई को ब्रेकआउट देते हुए नज़र आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग गिरावट आई है तो स्टॉक यहाँ से अब बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है। हमको लगातार तेज़ी बताता हुआ MMTC नज़र आ रहा है। बात करें सपोर्ट की तो स्टॉक ने गिरावट के बाद जहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता हुआ हमको नज़र आ रहा है 93 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 92.50 का लेवल, जहाँ स्टॉक हमको सर्किट में लॉक होते हुए नज़र आया है और तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला 84.85 का लेवल। हमको 92.50 तक का इसमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, यहाँ से स्टॉक हमको अगेन बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके चांस हमको नज़र आ रहे हैं। अब हमको आने वाले दिन में नज़र रखना है 97.50 के लेवल पे, जो लेवल है यहाँ इस पर नज़र रखना है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 97.50 का लेवल तो ऐसे कंडीशन में 100 का लेवल भी हमको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन स्टॉक को 97.50 के ऊपर थोड़ा सस्टेन होना पड़ेगा। अगर अगेन वहाँ से गिरावट आती है तो स्टॉक अपने इस लो को भी ब्रेक डाउन करके हमको 92.50 तक का भी फॉल दिखा सकता है। 100 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर हमको MMTC में 104 और 104 के ब्रेकआउट के बाद 109-110 तक का भी जंप देखने के लिए मिल सकता है। जिस तरह से चार्ट पैटर्न बता रहा है उस अकॉर्डिंग यहाँ ब्रेकआउट के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।